हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल तोते वाला में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने पेट के नेल कैसे ट्रिम करने हैं, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा आप अपने पेट के नेल कैसे ट्रिम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब हम अपने पेरेट पेट को घर पे लेके आते हैं या उसके साथ खेलते हैं या उसको फिंगर पे लेते हैं, अपने हाथ पे लेते हैं, हाथ के ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा दर्द भी होते हैं, चुभते भी नाखून। तो इसका सलूशन क्या है, उसके नेल कैसे ट्रिम करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में मेरी हेल्प कर रहा है ये मकाओ, ठीक है, जो कि हमें गिफ्ट मिला है, चैलेंज हमने जीता है। तो ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसके नेल ट्रिम कैसे करने। नेल ट्रिम करने के लिए हमें चाहिए एक नेल कटर और एक नेल फाइलर। अब इनका क्या यूज करना है वो जैसे मैं आपको बताऊंगा। नेल कटर से हम क्या करते हैं, नेल कट करते हैं, नेल फाइलर से हम इसके नेल को रगड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि चुभने वाली जो भी इसके जो है नेल है वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे और नेल वगैरह चुभेंगे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। सबसे पहले देखें, अगर आपका पेट जो है आराम से कटवा लेता है तो आप इस तरह से इजीली काट सकते हैं। जैसे कि अभी ये मकाओ है मेरे पास, ठीक है, और इसके नेल में अभी काटने लगूँ तो ये देखें थोड़ा सा इरीटेट हो रहा है बट। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये इसका नेल है, ये जो है इसकी शार्प वाला हिस्सा जो हमने काटना है, और ज़्यादा नेल नहीं काटना है वरना क्या होगा कि ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर ब्लीडिंग क्या होता है कि रुकती भी नहीं है जल्दी, तो हमने बहुत ही जो है स्टार इसके टिप से बिल्कुल काटना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये बिल्कुल इतनी सी टिप से काटना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे नेल्स भी काटने, वेरी गुड, ओके, और ये देखें हमने बहुत आसानी से इसके एक पाँव के जो है नाखून काट लिए। और अब इस बार अब बारी है इस पाँव की, गुड बॉय, गुड बॉय। और अब रह गया है लास्ट नेल, ठीक है, तो इसका भी हम काट लेते हैं। वाओ, तो जी जैसे कि भी आपने देखा कि जो है हमारे मकाओ ने बहुत ही इजीली जो है नेल कट करवा लिया है। वो क्यों, क्योंकि ये नेल कटिंग के लिए हमने इसको ट्रेन किया है, ठीक है। अब मैं आपको अपने कैनी से मिलवाता हूँ जो कि नेल कट करने नहीं देता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो उस तरह के पेड़ को आप कैसे नेल कट कर सकते हैं वो भी सीखते हैं। सबसे पहले इसके जो है नेल फाइलर कर लेता हूँ मैं, तो इस तरह से आपने पकड़ना है और इसको इस तरह से रगड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा मसला करता है बट ये इजीली करवा लेते हैं, ये देखिए, इट्स ओके, गुड बॉय। अपने कैनी को लेके आता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि आप उस तरह के पेड़ को कैसे नेल कट कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमारे पास कैनी आ चुका है, लेकिन अब पता है क्या करेगा, ये देखिएगा कैनी नेल कटर देखते oh, no! देखते ही जो है ना, अब इसको समझ लग जाएगी और ये क्या करेगा, फौरन से भागना शुरू कर देगा। भाई ये तो मेरे ऊपर आगे बैठ गया है। तो भाई ऐसे ही आएगा ना रिजवान भाई, इसको पता लग गया अब इसके नेल कट होने ही है, देखें। तो अब क्या करना है, इस तरह के पेड़ को कैसे आप डील कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आपने इसको इस तरह से पकड़ लेना है और गोदी में बिठा के इसके जो है नेल कट कर लेने। तो मैं इसको गोदी में बिठाता हूँ और फिर नेल कट करके दिखाता हूँ एक आप सिंगल पर्सन होकर कैसे इसके नेल कट कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं कट पाता तो फिर भी आप जो है एक बंदे की हेल्प लेके कट कर सकते हैं, अपने घर में किसी भी मेम्बर को बोलेंगे आप इसको इस तरह से पकड़ लें और फिर उसके नेल ट्रिम कर दें। कुछ इस तरह से, ये देखें ये भागेगा बट मैं इसके नेल ट्रिम कर लूँगा, ये देखें इस तरह से मैं इसके नेल ट्रिम करता हूँ। बहुत ही आराम से, ज़्यादा आगे से कट नहीं करने, छोटी सी टिप से, क्योंकि अगर यहाँ से ब्लीडिंग की तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बर्ड का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है, बहुत ही एहतियात से। चले बस कैनी, बस हो गया, गुड बॉय कैनी, गुड बॉय। इट्स ओके, बस कैनी लास्ट कर गया, लास्ट चले।
देखा कि अगर आपका बर्ड है आपसे दूर भागता है नेल कट करवाने के टाइम पे, आप उसको सही से ग्रिप नहीं कर सकते तो कैसे ग्रिप कर सकते हैं? और अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो आप किसी की हेल्प लेकर भी उसको ग्रिप करके आप उसके नेल आराम से कट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये देखिएगा, उसको नेल फाइल करने के टाइम में ना ये भाग जाएगा अभी, ठीक है? ये देखिए, तो इस तरह से करते हैं। अब मैं इसको पकड़ के लाता हूँ और फिर इसके जो है इसके नेल फाइल करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मुझे इसको पकड़ के ना इसके नेल फाइल करने पड़ते हैं, वरना ये भागता है बहुत, ठीक है? कोई बोल क्या नहीं, इट्स ओके अच्छा, नहीं कर रहा बस। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपने सीखा कि हम अपने पेट के नेल ट्रिम कैसे कर सकते हैं, हमारी टॉपिक भी यही था। हाँ तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर दोस्तों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिले सबसे पहले, क्योंकि अभी जो बहुत सारी वीडियोज हैं आने वाली हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।